पिछली बार मैंने टिकट मांगा था जब गीता बहन चुनाव जीती थी, जिस बार उस टाइम लड़ रही थी, उससे माननीय विधायक जी ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को लड़ा। उन्होंने कहा किसी बात की चिंता मत करो, उस टाइम हमारे अशोक प्रधान थे, सब लोगों ने मुझसे बहुत कमरी खुदा मत करी। यानी कि मेरा परिवार राजनीति नहीं करता, राजनीति मैं करता हूँ। मेरा परिवार नहीं चाहता कि मेरे घर की लेडीज कोई साथ आए, मेरी पत्नी ने मैंने कहा मना कर दिया। उसके बाद अगर आपको ध्यान हो, जब कल्याण सिंह जी की सरकार बनी थी, मेरी पत्नी को नॉमिनेट मेंबर बना दिया गया, लेकिन मेरे फादर ने साफ मना कर दिया भाई हमारी लेडीज नहीं जाएगी, उसको कैंसिल करा। महेंद्र गोयल जी की मिसिज को जब नॉमिनेट मेंबर बना। सर, आपके चुनाव में खड़े होने से बीजेपी को कितना नुकसान होने वाला है और ये चुनावी समीकरण किस तरीके से बदलने वाला है? साहब, ये तो समय बताएगा। साहब, स्थिति ये है कि मैं लगभग जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, ऐसा कोई सा गली मोहल्ला नहीं है जिसके अंदर मैं ना गया। मैं 2000 से चेयरमैनी का चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। दोबारा मेरी बात को ध्यान करना, 2000 से जब मैं सभासद रहा, उसके बाद एक दफ़ा मैं सभासद रहा हूँ, डिप्टी चेयरमैन रहा हूँ, उसके बाद से आज तक चेयरमैनी की तैयारी करता आ रहा हूँ। मैंने इनसे हर बार टिकट मांगा, जब जब जनरल सीट हुई मैंने टिकट मांगा, पिछली बार भी जनरल सीट थी मैंने टिकट मांगा, मुझे नहीं दिया गया। आश्वासन दिया गया कि अब क्या तुम गीता को लड़ाओ, उसके बाद अगली बार तुम्हें टिकट देंगे। जनता के लिए क्या संदेश? देखो, जनता के लिए पहली बात तो ये संदेश है कि मैं किसी का भी बुरा नहीं करूँगा, सबका अच्छा करने की कोशिश करूँगा। और देखो, परमात्मा से हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ, ये परमात्मा मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, अगर मुझे आपने आशीर्वाद दिया और मौका मिला तो देखो ऐसा कोई कर नहीं पाया होगा जैसा मैं करूँगा।